अरे भाई, बम्बोर में क्या रखा है? खंडर है, सुनसान है, खूबसूरत भी नहीं है। क्या है उधर? एक समंदर की छोटी सी शाख है बाबा। अरे बाबा, मैं इधर आया हूँ तो मुझे पता चला है कि कितना खूबसूरत है। मतलब ये नहीं, तो ये जो सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, ये क्या है? अच्छा, ये इसी किले के बारे में बनाया गया है। किला थोड़ा सा आगे है मेरा ख्याल है। सर, हम बोर्ड को आपने जब भी देखना हो ना, तो इसको दो से तीन कैटेगरीज में आप देखो। आपको एक तो म्यूजियम मिलेगा, एक ही आप विजिट में आप समंदर भी देख सकते हो, ठीक है, और मतलब किला भी है और एक छोटा सा आइलैंड टाइप आपको एक लुक मिलती है। अब सीन देखने का ये है कि आप जब भी हम बम्बोर आओ, आते फौरन आपने क्या करना है? गाड़ी या बाइक जो भी है पार्क की, पार्क करने के बाद आप म्यूज़ियम चले जाओ फौरन। म्यूज़ियम जाने के बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होगी वो यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप पूरा दिन लेके जाओ, आसपास जो समंदर है मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। आप ये घूमो, घूमने के बाद जब टाइम मिले फिर आप आ जाओ। किले में किला बहुत खूबसूरत है देखने वाला। तो बाकी सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात है ना, वो यहाँ पे जगह का ढूंढ रहे हैं जहाँ पे खड़े होकर आप वीडियो बना सकते हो। तो ये जगह मैंने ढूंढ ली है। खैर, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगी है कि यहाँ से आपको मुकम्मल 360 का नज़ारा मिल जाता है। Thank you.
खामोशी है, पुरसकून है, बहुत दिलकश है। ये जगह, ये इन मोहम्मद बिन कासम जब आए थे यहाँ से दाखिल हुए थे, ठीक है, इसको देवल कहते हैं। ये समंदर है सारा, ग्रीक कहते हैं, पहले समंदर था। अच्छा, पहले समंदर था, करीब करीब टच होता था। अच्छा, ये मंदिर 1700 साल पुराना। ये वाला मंदिर है 1700 साल। ये वाला, ये है अभी इधर सारा। अच्छा, पूरा नक्शा है यानी कि इसका जो दरियाफ्त हुआ। एशिया की पहली मस्जिद बनी है, ये बाजार बनी है, ये जो ये बाजार, ये वाला ये बाजार। हाँ, ये बाजार, ये झील बाजार से पठान होने का एक फायदा क्या कि वीडियो बहुत अच्छी आती है, रंग चिट्टा बगा होता है तो कैमरे में ना। बैरूनी दीवार, ठीक है, जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो चुकी है। ये वो जगह है, वो मुकाम है जहाँ पे मोहम्मद बिन कासम रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी नौजवानी की उम्र में एज़ सिपा सलार यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। सही है जी, जी सही। अच्छा, तो बेसिकली कहाँ से हैं? से पेशावर, वज़ीरिस्तान। आप मतलब डिफरेंट जगह से हैं? हाँ, मैंने कहा शायद एक ही जगह से हैं, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मतलब जॉब करते हैं या स्टडी करते हैं? तो यार वो तो आपका तो इलाका इतना खूबसूरत है खुद, तो यहाँ पे कैसे दिल लगता है आपका काम पे? यहाँ पे हाँ, बस ये जुमे का दिन था, हमने कहा घूमने आ जाए। देखो ना यार, मैंने वैसे पाकिस्तान के ज़्यादातर एरिया सारे घूमे हुए हैं, तो जो वो इलाके हैं उसकी कंपैरिजन मतलब सिंध में रहना, कोशिश बहुत की थी कि जो किला है, किले के सामने जो समंदर है ये आपके पीछे नज़र आ रहा है, यहाँ तक जाऊँ। बट मेरे मैं यकीन करें बहुत हैरान हुआ करीब जाके, मतलब कोई 400 से 500 मीटर मैं समंदर के करीब पहुंचा हूं तो दलदल थी, और दलदल भी बहुत ज़्यादा थी कि मतलब इस तरह की दलदल मैंने वैसे लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी है। एक होता है ना कि पानी ऊपर से खड़ा होता है और वो मतलब आपको दलदल फील हो रही होती है, ये नीचे से पानी निकल रहा था, मतलब वो समंदर करीब है तो कहीं ना कहीं से वो अपना वो पेनिट्रेट करता हुआ वो पानी नीचे से मतलब ऊपर की तरफ उठ रहा था। खैर, ये मेरे साथ ही है समंदर, बस इससे आगे मैं नहीं जा सका। मैंने कोशिश बहुत की थी कि किसी तरीके से मैं इस चीज़ को कैप्चर कर सकूं। बाय द वे, यू आर वाचिंग पाक राइडर्स व्लॉग, एंड मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो सिंध की इंटीरियर्स एरियाज जो हैं, जो इंटीरियर सिंध है उसको एक्सप्लोर कर सकूं। तो अच्छा, मज़े की बात, मैं जब सिंध में आया था ना तो मैंने यही मतलब मैं समझा था कि जो सिंध है ना और बलूचिस्तान है ये सुनसान है, एक गुरबत, खैर वो तो है, लेकिन मैं चीज़ें समझता था कि यार ये यहाँ पे इतनी खूबसूरती नहीं है। देखिए, लाजमी नहीं कि पहाड़ों में ही खूबसूरती है, अल्लाह पाक ने इस अपनी कायनात को बड़े मुख्तलिफ रंगों में परोया, खूबसूरती के मुख्तलिफ रंग होते हैं, बस देखने वाली आँख होनी चाहिए। तो मुझे सच पूछें बहुत मज़ा आ रहा है बम्बोर आकर, तो मैं मशवरा दूंगा कि जो लोग बम्बोर आ सकते हैं वो आएं, और इन्जॉय करने का भी तरीका होता है, जो चीज़ अच्छी लगे जहाँ पे नज़र आए निकल जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं किले में खड़ा था, ठीक है, तो आपको मैं दीवारें दिखाता हूँ कि मेरे सामने कितनी ऊँची दीवार है, मतलब यहाँ से आप चढ़ेंगे फिर ऊपर जाएँगे और वो ऊपर मतलब है, और मैं यहाँ से मुझे वो समंदर नज़र आया, मैं नीचे उतरा समंदर के पास गया, कोशिश की कि मैं पानी के पास जा सकूं, लेकिन मैं नहीं जा सका क्योंकि बदल। अनीस कहाँ से आए हो आप? अनीस कहाँ से आए हो? शाह लतीफ से आए हो? शाह, जितने विजिटर थे सारे चले गए हैं, बट मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को, बिल्कुल सुनसान हो चुका है इस वक्त, आस पास कोई इंसान नहीं है।
ये जनाब भंबोर जो किला है आप उसका एंट्रेंस देख रहे हैं, ठीक है। ये समंदर की छोटी छोटी शाखें हैं जो इसको लगती हैं आँखें, ठीक है। तो खैर ये किला है अपने शाहकारी का मुंह बोलता सबूत मुस्लिम शाहकारी का। खैर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? वो बहुत ही शानदार गुजरा। तो अभी बस वापसी का सफ़र है, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जुड़ जाएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा सिंध के वो एरियाज जो अभी तक इतना पॉपुलर नहीं है यूट्यूब पे या किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया तो उनको एक्सप्लोर करूं। आप मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा। अच्छा अच्छा, हल्का फुल्का सब कुछ, हल्का फुल्का सब कुछ मिल जाएगा, चाय बिस्किट, ठीक है, सही है। देख रहे हैं, हाँ, ये हल्का फुल्का मिल जाएगा। यार सबसे बड़ी मजे की बात पता क्या है कि हमें साफ सुथरा मॉल मैंने पहली दफा देखा है। बहुत कम है कि आसपास के होटल में आपको अच्छा मॉल मिले, बट ये सिंधी में लिखा हुआ मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन ये आगे चलें जिनको समझ आती है वो समझ जाएंगे। बाकी जी जी भंबोर के हैं। अच्छा ये भंबोर की है, ये भंबोर की है, ठीक है। सामने भंबोर का ये मोहन चौधरी का ये कहाँ पे लड़का ना है, लड़का नहीं, सही है। और हिमाचल अपने भंबोर की है, ये भी भंबोर की है, वो जो सामने वो अपने ये भी मोहन के रहो मोहन जोधरो ऊपर पीरे मानी शर्जरा।